हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन सेकंड का 10th पैराग्राफ रीड कराया था, उसमें हमने आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हमने आपको होम टास्क में दिए थे। आज हम 11th पैराग्राफ रीड करते हैं। इससे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। चश्मा, ऐनक, छेड़ा, चिड़ाया, सूझे, देखे, मालूम, पता, सूरत, शकल, शेर, कविता, खीज, झुल झुल लाकर, झुलझुलाकर। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। फिर प्रसंग है कि वही प्रस्तुत गद्यांश, पुस्तक का नाम, लेसन का नाम, उसके बाद आप रचिता का नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लेखिका कह रही कि चश्मे का मजाक बनाते हुए उसके जो चचेरे भाई द्वारा उसको छेड़ा जा रहा है। व्याख्या, लेखक का जब पहली बार चश्मा बनकर आया था, जब लेखिका का जब पहली बार चश्मा बनकर आया था तो उसने उसे पहली बार लगाया, तो उसने उसे पहली बार लगाया। उसके जो चचेरे भाई ने छेड़ते हुए कहा, उसके जो चचेरा भाई था उसने उसको छेड़ा और कहा, देखो ये चश्मे में कैसी लग रही है। वह कह रहा था कि जैसे चश्मा लगाकर ये कैसी लग रही है। लेखिका के चचेरे भाई ने एक शेर पढ़ते हुए बताया, जो लेखिका का चचेरा भाई है उसने एक शेर पढ़ा। लेखिका ने अपनी आंखों पर चश्मा इसलिए लगाया कि ताकि उसे दूर का दिखाई दे। लेखिका ने चश्मा इसलिए लगाया था क्योंकि उसे दूर का दिखाई दे, परंतु इस लड़की को यह मालूम नहीं कि इस लड़की को यह मालूम नहीं कि चश्मा लगाने से इसकी सूरत लंगूर जैसी हो गई है, कि इस लड़की को यह मालूम नहीं है कि चश्मा लगाने से इसकी जो सूरत है, इसकी जो शक्ल है, वो लंगूर की जैसे हो गई है। इस शेर को बार बार सुनकर लेखिका को झुलझुलाहट हो रही थी। जो लेखिका ये शेर को बार बार सुन रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था, परंतु उसे यह शेर अच्छा भी लग रहा था, परंतु उसे ये शेर भी अच्छा लग रहा था। इसलिए उनके चाय पीकर चले जाने के बाद में लेखिका अपने कमरे के दर्पण, मतलब आईने के सामने गई, में बार बार चश्मा लगाकर उतार कर देखते हुए सोचने लगती है कि उस चश्मे को बार बार लगाती है, बार बार उतार कर सोचने लगती है कि सूरत लंगूर जैसी है या नहीं। वह हाँ या ना के असमंजस में उलझ रही है। इसका क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक क्या है? लेखिका का पहला चश्मा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका के पहली बार चश्मा लगाने पर किसने क्या कहकर छेड़ा? लेखिका का पहली बार चश्मा लगाने से उसके जो चचेरे भाई ने यह कहकर छेड़ा कि देखो देखो सूरत लंगूर की लग रही है। तीसरा क्वेश्चन है, चचेरे भाई के चले जाने के बाद में लेखिका ने क्या किया? लेखिका ने अपने कमरे में आईने के सामने बार बार चश्मे को पहनकर व उतार कर देखा। लेखिका बार बार चश्मे को पहनकर व उतार कर किस असमंजस में थी? लेखिका ने इसे असमंजस में यह थी इसमें कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है या नहीं। इस प्रकार आज हमने आपका 11th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क है, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ये आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।